आज कुक ईट रिपीट पर हम लाए हैं मिल्क केक की रेसिपी। सुपर सॉफ्ट हलवाई स्टाइल मिल्क केक, बहुत ही टेस्टी, सिर्फ दूध से बना हुआ मिल्क केक घर पर ही बहुत आसान तरीके से। ये देखिए इसका कलर है ना, बिल्कुल हलवाई जैसे स्टाइल में, बहुत ही सॉफ्ट है, ओरिजिनल कलर में है। ये देखिए बिल्कुल दानेदार मिल्क केक, और सिर्फ दूध से आप घर पर बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज हम तैयार करेंगे ये सुपर सॉफ्ट मिल्क केक, जो बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए तैयार करते हैं मिल्क केक को। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हैवी तले की कढ़ाई ली है जो भारी है, और उसमें डाला है एक कलछी पानी, ताकि जिससे हम दूध डालेंगे तो दूध इसके अंदर जलेगा नहीं। अब मैंने यहाँ पर लिया है फुल क्रीम मिल्क, 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप कोई भी किसी भी तरह का दूध ले सकते हैं, पैकेट वाला ले सकते हैं या जो भैंस का दूध आता है वो ले सकते हैं। अब दूध को हम एक बार चला लेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो पहले हम इसमें उबाल आने देंगे, क्योंकि ये दूध जो मैं यूज़ कर रही हूँ कच्चा है, बॉयल नहीं हुआ है, तो पहले हम इसे उबलने देंगे। तो देखिए दूध यहाँ पर उबल चुका है, और अब इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं, और जो कढ़ाई के चारों तरफ मलाई आ जाती है ना कॉर्नर्स पर, ये देखिए इधर से, इसको हम छुटाकर दूध में ही मिक्स करते रहेंगे। इसी के कारण जो हमारा मिल्क केक है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो इसमें कुछ टिप्स हैं फ्रेंड्स, अगर आप वो ध्यान से चेक करते हैं तो आपका मिल्क केक बिल्कुल हलवाई की तरह बनेगा। बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ दूध से आप बहुत ही टेस्टी मिल्क केक घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जितनी ये दूध हमें अब आधा कर लेना है इसको पकाकर, इतना हम इसको पका लेंगे। इतने दूध पकता है तो हम आगे की चीज़ें देख लेते हैं। तो ये मैंने एक बाउल में लिया है पानी, और एक में लिया है 2 चम्मच नींबू का रस। आप इसकी जगह सिट्रिक एसिड भी ले सकते हैं या फिर फिटकरी भी ले सकते हैं। तो अब मैं इस नींबू के रस में 2 से 3 चम्मच पानी मिक्स कर दूंगी। इसी से हमें अपने मिल्क केक को तैयार करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नींबू का रस यूज़ किया है, आप फिटकरी यूज़ कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अब मैं फ्लेवर के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची पाउडर। तो मैंने 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। तो अब दूध को चेक कर लेते हैं, और बीच बीच में दूध को हम चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें, कुछ भी काम कर सकते हैं इसको मीडियम करके। बस हमें ध्यान रखना है, एक तो कॉर्नर्स की जो मलाई आ रही है उसको हमें छुटाकर दूध में ही मिक्स कर लेनी है, और इसे बीच बीच में चलाते रहना है। मीडियम हीट पर हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे दूध को, उसके बाद हम इसमें दाना बनाएंगे। तो जो इसमें दाना बनाने की ट्रिक है ना दूध के अंदर, वो आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर अब ये बहुत अच्छे से पक चुका है, मलाई भी इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और इसे मैं बीच बीच में चला रही हूँ, बिल्कुल छोड़ा नहीं है। आप इसमें कोई भी काम कर सकते हैं, किचन का इसको पकने के लिए छोड़ दें, और साथ में कोई भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप ड्रॉप कर कर थोड़ा थोड़ा जगह जगह पर डाल रही हूँ, देखिए आप इस तरह से। मैंने सारा एक ही बारी में नहीं डाला है, अभी 2 चम्मच नींबू का रस मैंने इसमें डाला है, और जब मैंने नींबू का रस डाला है हम इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल चलाएंगे नहीं, कुछ सेकंड तक हम इसे इसी तरह से पकने देंगे। उसके बाद बहुत आराम से इसको चलाएंगे, क्योंकि हमें इसका दाना बनाना है, हमें छेना नहीं बनाना, पनीर नहीं बनाना। बहुत ही हल्का हल्का हम इसे चलाएंगे, और कुछ कुछ ड्रॉप करके ही हम इसमें डालेंगे। देखिए अब मैं 3रा चम्मच इसमें डाल रही हूँ, इस तरह से धीरे धीरे चारों तरफ डालें। ये हमें बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर हमने बहुत सारा एक ही बारी में या एक जगह पर डाल दिया तो ये छेना बन जाएगा, फिर वो मिल्क केक वाला टेस्ट इसमें नहीं आएगा, वो दानेदार जो सॉफ्ट मिल्क केक होता है ना वो टेस्ट चला जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, कितने आराम से इसको इस तरह धीरे से चलाना है, ताकि देखिए आप देख रहे हैं ना कलछी पर दाना आ गया है, इसमें मलाई भी लगी हुई है। मैं आपको इसमें दूसरे स्पैचुला पे दिखा देती हूँ जो बिल्कुल क्लीन है। तो देखिए इस तरह से जो छोटा छोटा दाना आ जाता है ना, हमें वो चाहिए। तो अब हमें दाना मिल चुका है, तो अब नींबू का रस हम इसमें नहीं डालेंगे।
तो अब हम इसे पका लेंगे अच्छी तरह से। आप देख रहे होंगे ना, जैसे हम छेना बनाते हैं तो पानी हो जाता है, दूध नहीं बचता है, लेकिन इसमें दाना बनाए और दूध दूध की तरह ही है। अब हमें इसे इतना पका लेना है कि ये जो दूध बचा है ना, ये भी पक जाएगा, और हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब हमने फ्लेवर के लिए डाली है इसमें इलायची पाउडर। ये हमें तभी डालनी है इलायची जब इसमें दाना बन जाएगा। अभी हमने इसमें और मीठा भी ऐड नहीं किया है। जब हम इसे बहुत अच्छे से पका लेंगे, जो ये पानी है हमारा, दूध है, अच्छे से पक जाएगा, चीनी भी हमें इसके बाद ही डालनी है। बीच बीच में हम इसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि ये लग ना जाए नीचे, जल ना जाए। तो देखिए इस तरह से अब मुझे पास से 10 मिनट इसको पकाते हुए हो गई है। देखिए आप इस कंसिस्टेंसी पर, जब ये इसमें पानी बिल्कुल नहीं बचा है, अब बहुत ही कम है, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर 1 कप चीनी ले रही हूँ, और ग्राम में अगर आप चेक करते हैं तो 200 ग्राम है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब हम चीनी डाल देते हैं तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक, ताकि चीनी के जलने का डर रहता है नीचे, और जब चीनी घुल जाएगी उसके बाद हम इसे छोड़ सकते हैं बीच बीच में। तो गैस का फ्लेम इस समय पर मैंने मीडियम ही रखा है, और अब हमें कुछ देर इसको लगातार चलाते रहना है। चीनी घुलने के बाद हम इसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ सकते हैं और अपना कोई भी काम कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये पकता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 से 10 मिनट हुई हैं, अब वापस से इसमें कलर चेंज हो गया है और थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो अब हमें इसे इतना पका लेना है कि जो ये पानी है वो पूरी तरह से सूख जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। जो कलर हमें चाहिए ना, वो गोल्डन वाला, मिल्क केक वाला, वही कलर इसमें आ जाएगा। हमें इसे मीडियम हीट पर ही रखना है, और इस समय पर जो किनारों पर मलाई है उसको लगातार छुड़ाते रहेंगे। और देखिए अब पानी इसमें धीरे धीरे पूरी तरह से जल चुका है। अब हमें इसे सिर्फ भूनना है, इसको हमें इतना भूनना है कि ये गोल्डन कलर में आ जाए। देखिए इस समय पर हम इसे लगातार चला रहे हैं, और आप, मैं आपको चेक भी करा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। सिर्फ अब हमें इसे भूनना है, भूनते हुए इसे गोल्डन कलर में ले आना है। और अब ये बहुत गर्म है, अभी हम इसे बंद कर दिया है, गैस का फ्लेम गोल्डन कलर में आ गया है। तो अब मैं इसे सेट करने के लिए इस तरह से बॉक्स लिया है, केक टिन, और उस पर डाल रहे हैं देसी घी, और उसे चारों तरफ से हम ग्रीस कर लेंगे। आप केक टिन की जगह पर कोई भी नॉर्मल डब्बा ले सकते हैं, कोई भी टिफिन बॉक्स ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप इसे सेट कर सकते हैं, किसी भी कटोरे में सेट कर सकते हैं। देखिए आप इस तरह के किसी डब्बे में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो जब इसमें अच्छी तरह से मैंने चारों तरफ घी लगा लिया है, तो अब हम जो बहुत गर्म गर्म है ना, उसी समय पर डालेंगे इसको। ठंडा हमें बिल्कुल नहीं करना है, मिल्क केक को गरम गरम को ही हम सेट करने के लिए रख देंगे। जब हम इसे कवर करके रखेंगे तो इसका कलर और भी डार्क हो जाएगा, ये अंदर भी पकेगा इसकी हीट में। तो इसीलिए हमें फटाफट से इसको करना है, और इसको हम कवर कर देंगे फॉइल पेपर से, और इसके बाद टॉवल के अंदर इसको लपेट कर रख देंगे किसी भी गर्म जगह पर। नॉर्मल आप कहीं भी किचन में रख दें। तो इसे हम अच्छे से कवर कर देते हैं, और इसे 3 से 4 घंटे के लिए ढककर इसी तरह से छोड़ देंगे। जो इसके अंदर हीट होगी ना, इसके अंदर ये और भी ज़्यादा डार्क कलर में हो जाएगा, बिल्कुल गोल्डन कलर में आ जाएगा, जैसे कि हलवाई का मिल्क केक होता है। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, और इसे हम अब चेक कर लेते हैं। तो अब हम फॉइल को भी निकाल देते हैं। देखिए वाओ, कितना अच्छा कलर आ गया है ना, बिल्कुल गोल्डन कलर आप देख रहे हो ना, पहले से ज़्यादा अच्छा डार्क कलर हो गया है, और बिल्कुल सेट भी हो चुका है। तो अब इसे पीसेस में काट लेते हैं। इसकी जो सबसे खासियत है वो है इसका कलर, इसका दाना और इसकी सॉफ्टनेस। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो आपका मिल्क केक बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए आप इसका कलर देख रहे हैं ना, बिल्कुल गोल्डन कलर, जैसे कि हलवाई वाले मिल्क केक का होता है। बहुत ही टेस्टी, दानेदार और सुपर सॉफ्ट मिल्क केक तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपका मिल्क केक कैसा तैयार हुआ। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देख रहे हैं ना आप इसका कलर, कितना अच्छा कलर इसमें आया है, कितना सुपर सॉफ्ट। ये देखिए कितना दानेदार मिल्की का, एक एक दाना। बस इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो ये बिल्कुल दानेदार और सॉफ्ट मिल्की घर पर ही तैयार हो जाता है। कोई झंझट नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। तो चलिए आप इसे तैयार कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।